सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानी श्रृंखला में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे भाई बहनों, जब ईश्वर के साथ हमें सच्चा प्यार हो जाता है, दिल से सच्चा इश्क हो जाता है, तो प्रभु भी हमसे बिना मिले नहीं रह पाते हैं। इस प्रसंग से जुड़ी हुई एक सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूं, जो घटित हुई सन 2015 ईस्वी में, जब श्री हिम्मत सिंह राठौर जी रक्षाबंधन के स्व अवसर पर अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गए हुए थे। उनका 6 सितंबर 2015 ईस्वी को दिल्ली से बनारस का रिजर्वेशन था। वह लोग दिल्ली से करीब 11 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह बनारस पहुंचे। वहां काशी विश्वनाथ के दर्शन करके प्रयाग पहुंचे। वहां संगम में स्नान करके अगले दिन बस द्वारा 9 सितंबर को साय अयोध्या पहुंच गए। सवेरे सरयू में स्नान किया, तत्पश्चात हनुमानगढ़ी तथा अन्य दर्शनीय स्थानों में दर्शन करते हुए अंत में राम जन्मस्थली गए। रामलला का मंदिर छावनी बना हुआ था। जगह जगह दर्शनार्थियों की चेकिंग की जा रही थी। स्त्री पुरुष की अलग अलग चेकिंग की व्यवस्था थी। पहली चौकी पर चेकिंग के पश्चात वह लोग आगे बढ़े। दूसरी चौकी पर पहुंचने पर उनकी पत्नी तो आगे जाने की अनुमति मिल गई उन्हें तो, किंतु राठौर जी को वहीं रोक लिया गया। उनसे कहा गया कि आप अपनी पेंट को ऊपर करिए, आपके पेंट में क्या छिपा रखा है। उन्होंने पेंट को घुटने से ऊपर करते हुए दिखाया कि मैंने कुछ नहीं छिपाया है। तब गार्ड ने कहा कि मशीन बता रही है कि कोई वस्तु आपने छिपा रखी है, आप बताइए कि कौन सी वस्तु आपने छिपाई है, अन्यथा आपको आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तभी अचानक उन्हें स्मरण आया कि उन्होंने उनके जो पैर में फ्रैक्चर हुआ है उसमें स्टील की रॉड अंदर पड़ी हुई है। यह घटना उन्होंने उस गार्ड को बताई। उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, आप वापस पीछे चौकी पर जाकर पहले अनुमति लेकर आइए। अब राठौर जी ने पत्नी को वहीं ठहरने का आदेश देकर पीछे बनी हुई चौकी पर गए और वहां बैठे अधिकारी को अपनी सारी बात बताकर उनसे रामलला के दर्शन हेतु अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। पर काफी अनुनय विनय करने के पश्चात भी उन्हें दर्शनों की अनुमति नहीं मिली। इसके पश्चात वह हताश होकर दुखी होकर वापस अपनी पत्नी के पास आए और उनसे सारी बात बताकर वापस चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाने की अनुमति तो मिली नहीं, तुम अंदर जाकर रामलला के दर्शन कराओ। पत्नी ने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, हम दोनों ने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान आपके द्वार पर आकर हम बिना दर्शन किए जा रहे हैं। ऐसी उन्होंने जब प्रार्थना की, यह कहकर वह दोनों लोग वहां से वापस आने के लिए रवाना हुए। जिस समय वह वहां से वापस चले इस बात को बोल करके, उसी समय अचानक भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और गार्ड के पास एक वायरलेस आया जिसमें उन्हें अंदर जाने की अनुमति के लिए कहा गया था। घट घट वासी प्रभु राम ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। इस प्रकार राम लला की कृपा से उन्हें उनके दर्शन हुए। प्यारे दोस्तों, कभी कभी प्रभु भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमारे दिल में जो भाव है वह किस प्रकार का है, सच्चा है या केवल हम नाम के लिए ही उनके दर्शनों की प्रतीक्षा लगाकर बैठे हैं, दिखावा कर रहे हैं। यदि वह भाव सच्चा होता है तो ऐसी कोई दीवार नहीं दुनिया में जो हमें प्रभु के दर्शनों से रोक सके। अगले किसी वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए जय राधे कृष्ण, जय श्री राम।